पथरिया मुख्यालय पर जोगी समाज के लिए रहने वाले लोगों के लिए कुटीर का पैसा नहीं मिल रहा था, इसकी शिकायत स्थानीय विधायक रामबाई को की गई और रामबाई ने मौका स्थल पर पहुंचकर के नगरपालिका के सीएमओ को बुला करके तत्काल इस मामले में कार्रवाई किए जाने और समाधान किए जाने के निर्देश दिए, जिससे अब इन लोगों को कुटीर का पैसा मिल सकेगा और इन्हें अब प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सकेगा। एक रुपया अगर कोई मांगे, अगर तुमसे कोई 10,000 रुपया 5,000 रुपया ले तो 25 देने पड़े। और सीएमओ साहब, आप खाते में पैसा डालो, उन गरीबों के मकान बनन दे, फिर हम देखते हैं कि को आगे या हो रहा है। और तुम्हारे बना जो कोई सरकारी जगह में कब्जा करे हो ना, तो आप कहो की नहीं सुनने, मकान बनाइयो ना, कहू गिरावया है ना, कहू कछुआ है, आप तो खाते में पैसा डालो गरीब। अब जब बिल्कुल दोबारा बात न उठे, आपत्ति में जापत्ति करा दे रहे, बिल्कुल इसे की भाई अपन हो दया धर्म देखने गरीब आदमी बताओ। पैसे भी उनको ईश्वर इतना दाए हैं और भी सरकारी जगह पे कब्जा करने गरीबों के लाने परेशान कर रहे, भाई दे हैं तो कहाँ से, और सरकारी छुड़ा और रहे गरीब। तो ऐसा ने चल है, आप किसी के खाते में पैसा डालो और तुम लोगों को नो दिक्कत आवे, तुम हमें फोन लगा जो हम बैठ के बनवा है किसी ने तुम्हारा भूपेन भैया गए थे, जे गए थे पूरे कार्यकर्ता गए थे, बेकते कत्ते और सबने कही के भाभी अच्छा भी कैसा भी करो तो उनके लाने विद्याभत तो करवा ली। कल हमारा किसुआ इंतजार करा था, ई के बाद हमें कछु आदमों ने जा भी बताई कि तुम भली कछु करवा रही है, ऐसे है उनसे हमने भी तो कहो कैसा हुआ उनको जीवन बस जा, उनको मकान बन जा, हमें उनको भी खुशी ज्यादा। बहन बड़ी भाई हमारी चिल्लाइयो हमारे वार्ड नंबर 1 है जी, और इधर कम से कम जोगी समाज के 15-20 घर रहते हैं, उनके पास पट्टे तो होते ना, पट्टे उन्हों मिलने रहे थे, तो जैसे तैसे उनकी लाइट को बिल भी भरत हैं, 25-25 का हो 50 साल से भी रह रहे होते, तो उनकी कुटीरों में नाम जुड़े तो उनकी कुटीरें तो आई, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं जा रहे थे मात्र उनके पट्टे न होने के कारण। फिर रसीदें मसीदें कटवा के सब चीज़ें हमने कंप्लीट करवाई और उनके खाते में पैसा जा भी कि हमने बोली तो सीएमओ के द्वारा पैसा भी डाल भी रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मतलब समझ ले जगह है पर्सनल, तो उनकी जगह जितनी है वो तो उनके अंडर में है और मतलब उतनी जगह पे नीट भी उठाए थोड़ी थोड़ी, लेकिन उन लोगों ने इन गरीबों की कुटीरों पे आपत्ति लगा दी कि ये हमारी जगह में बना बचा। तो में जो स्थिति है कि भाई उनको जो है कि जब शहर जोन है, जब शहर जी उन्हें छोड़ दे और हम उन्हें इस शहर पर कब्जा कर ले, तो उनको उस साइड भी निकास हो जाए, इस साइड भी हो जाए, तभी जहाँ उनको प्लाट है उनके लाने दो जगह से रास्ताएं हैं, तो जो उनकी मंशा है कि भाई उनका सोच रहा है, लेकिन हम उन लोगों की मंशा पूरी नहीं होने दे जो गलत करते हैं। तो आज जो जितने भी जोगी समाज के हैं गरीब हैं, सीएमओ साहब ने बोल दी कि हम कुटीरें डालते हैं और हमने बोल दी कि आप बनाओ, अगर कोई भी आपत्ति लगे है कोई भी दिक्कत आ है तो पहले तो कुर्सी डाल के हम खुद इन गरीबों की कुटीरें बनवा है, और दूसरी बात अगर कोनों ने भी 3-5 करी तो उनको भी हम सबक सकें, लेकिन इनकी गरीबों की कुटीरें बने नर्क में रहते हैं जी, हमने खुद देखो है आके ऐसे इतना पानी भरो रहे थे बरसात में, इन्हों ज्यादा दिक्कत नहीं होने हैं। और तहसीलदार से बात भाई, कलेक्टर साहब से बात भाई, सीएमओ की सभी बात हो गई, सोमवार को उनके खाते में पैसा चले जाएंगे। माननीय विधायक जी उपस्थित हुए, वार्ड क्रमांक 1 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पीएनसी घटक के अंतर्गत हितग्राहियों की कुछ समस्याएं थी, उनका पैसा कुटीर का डाला जाना था, आपत्तियों का निराकरण हो चुका है, शीघ्र उनके खाते में पैसा चला।